हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास ले रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है यूलर्स थ्योरम। स्टेटमेंट, इफ देयर इज ए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इफ ईच फैक्टर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, देन टोटल प्रोडक्ट विल बी एग्जॉस्टेड। दिस इज कॉल्ड यूलर्स थ्योरम। इफ यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई द होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एम, देन एक्स डिवाइड यू बाय डिवाइड एक्स प्लस वाई डिवाइड यू बाय डिवाइड वाई इज इक्वल टू एम यू। इसको प्रूव करना है, तो प्रूव लेट यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो यू इज इक्वल टू ए वन एक्स पर पावर अल्फा वन वाई पर पावर बीटा वन प्लस ए टू एक्स पर पावर अल्फा टू वाई पर पावर बीटा टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स पर पावर अल्फा एन वाई पर पावर बीटा एन। इक्वेशन फर्स्ट, वेयर अल्फा वन प्लस बीटा वन इज इक्वल टू अल्फा टू प्लस बीटा टू इज इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन इज इक्वल टू एन। नाउ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। फर्स्ट को एक्स के सापेक्ष हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेब्बा यू वाई डेब्बा एक्स, तो एक्स के सापेक्ष तो ए वन अल्फा वन इंटू एक्स पर पावर अल्फा वन माइनस वन वाई पर पावर बीटा वन प्लस ए टू अल्फा टू एक्स इंटू एक्स पर पावर अल्फा टू माइनस वन इंटू वाई पर पावर बीटा टू प्लस डॉट 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 ए एन अल्फा एन एक्स पर पावर अल्फा एन माइनस वन इंटू वाई पर पावर बीटा वन। तो एक्स को इसको डी डब्बा यू बाई डब्बा एक्स को एक्स के सब गुना करके मल्टीपल एक्स इंटू डब्बा यू बाई डब्बा एक्स एक्स से गुना कीजिए, तो ए वन अल्फा वन एक्स से गुणा करेंगे तो अल्फा वन माइनस वन प्लस वन यानी एक्स पर पावर अल्फा वन वाई पर पावर बीटा वन प्लस ए टू अल्फा टू एक्स पर पावर अल्फा टू माइनस वन प्लस वन यानी माइनस वन पर वन अल्फा टू वाई पर पावर बीटा टू प्लस डॉट 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 ए एन एक्स अल्फा एन एक्स पर पावर अल्फा एन वाई पर पावर बीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थ्री। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय वाई वी गेट। तो फर्स्ट को वाई के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट भी करेंगे और उसको वाई से गुणा करते हैं, तो वाई डेब्बा यू वाई डेब्बा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए वन बीटा वन एक्स पर पावर अल्फा वन वाई पर पावर बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू एक्स पर पावर अल्फा टू वाई पर पावर बीटा टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन बीटा एन एक्स पर पावर अल्फा एन वाई पर पावर बीटा एन। इक्वेशन थर्ड, नाउ एडिंग सेकेंड थर्ड को एड करेंगे वी हैड, तो क्या होगा एक्स डेब्बा यू बाय डेब्बा एक्स प्लस वाई डेब्बा यू बाय डेब्बा वाई,
इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा वन बीटा वन, सब में कॉमन है, अल्फा वन बीटा वन इंटू ए वन एक्स पर पावर अल्फा वन वन पर पावर बीटा वन प्लस अल्फा टू बीटा टू, अल्फा टू प्लस बीटा टू इंटू ए टू एक्स पर पावर अल्फा टू वाई पर पावर बीटा टू प्लस डॉट 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 अल्फान बीटा अल्फान प्लस बीटा इंटू ए पावर एन इंटू एक्स पर पावर अल्फान वाई पर पावर बीटा टन और एक्स डेब्बा यू वाई डेब्बा एक्स प्लस वाई डेब्बा यू वाई डेब्बा वाई तो अल्फा वन प्लस बीटा वन अल्फा वन प्लस बीटा वन इक्वल टू अल्फा टू प्लस बीटा टू इक्वल टू अल्फा वन प्लस बीटा वन इक्वल टू वन, सबका वैल्यू वन है तो वन ए वन एक्स पर पावर अल्फा वन वाई पर पावर बीटा वन प्लस ये हो गया वन वन इंटू ए टू एक्स पर एक्स इंटू अल्फा टू वाई पर पावर बीटा टू प्लस डॉट 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 अल्फा वन प्लस बीटा वन इक्वल टू वन एन ए एन एक्स का पावर अल्फा वाई का पावर बीटा सब में एन कॉमन हो गया और एक्स डेब्बा यू वाई डेब्बा एक्स प्लस वाई डेब्बा यू वाई डेब्बा वाई बराबर एन सब में एन कॉमन ए वन एक्स ए वन इंटू एक्स का पावर अल्फा वन वाई का पावर बीटा वन प्लस एन आ गया बाहर ए टू इंटू एक्स का पावर अल्फा टू वाई का पावर बीटा टू प्लस डॉट 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 एन बाहर आ गया ए एन एक्स इंटू एक्स पर पावर अल्फा एन वाई पर पावर बीटा एन तो एन यह सब हो गया आपका यू यू इसको माने हैं यू तो एन इंटू यू देयरफॉर एक्स डेब्बा यू वाई डेब्बा एक्स प्लस वाई इंटू डेब्बा यू वाई डेब्बा वाई इक्वल टू एन यू विच इज कॉल्ड Euler's theorem, which was to be proved. Now, अब हम Euler's theorem पर बेस कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आप बनाएंगे, कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूं. प्रॉब्लम नंबर वन आप बनाएंगे, प्रॉब्लम टू मैं बना देता हूं. प्रॉब्लम वन है, given that function u is equal to a into x per power b into y per power c, where a, b and c are constant. A, find the condition under which this is a linear homogeneous function. B, apply Euler's theorem if this condition hold true. Question number 2 मैं बना देता हूँ. तो q is equal to f x1 x2 is equal to a into x per power alpha into x2 per power 1 minus alpha. Prove Euler's theorem. So let us prove Euler's theorem f1 x1 plus f2 x2 is equal to q. ये प्रूव करना, ये प्रूव हो गया तो Euler's theorem प्रूव हो गया. तो f1 where f1 बराबर डेब्बा q by डेब्बा x1, तो डेब्बा by डेब्बा x1 q है आपका a into x पर पावर अल्फा x2 पर पावर माइनस अल्फा. इसका x1 के साथ पेश करना है तो a into अल्फा into x1 पर पावर अल्फा माइनस 1 x2 पर पावर 1 माइनस अल्फा. फिर अगेन अप टू इज कर टू डेब्बा q बाय डेब्बा x2, यानी डेब्बा बाय डेब्बा x2 q है आपका ए एक्स वन अल्फा एक्स टू पावर वन माइनस अल्फा. तो अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू, तो ए इंटू एक्स टू हो गया वन माइनस अल्फा इंटू एक्स वन पावर अल्फा एक्स टू पावर माइनस अल्फा. तो अब एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू क्या याद करना है, एफ वन आपका है a into अल्फा एक्स वन पर पावर वन माइनस अल्फा एक्स टू वन माइनस अल्फा इंटू एक्स वन.
plus up to have the a 1 minus alpha into x1 per power alpha x2 per power minus alpha into आपका हो गया x2। इसको सॉल्व कर दीजिए, x1 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो a अल्फा x1 से करेंगे तो x1 अल्फा माइनस 1 प्लस 1 x2 1 माइनस अल्फा प्लस, अब इसको x2 से गुणा कर दीजिए तो a इंटू 1 माइनस अल्फा x1 पर पावर अल्फा x2 पर पावर 1 माइनस अल्फा, तो यह आपका हो जाएगा। तो a अल्फा रहने देते हैं, अल्फा रहने देते हैं, 1 माइनस अल्फा रहने देते हैं, a x1 पर पावर ये आपका हो गया माइनस प्लस माइनस अल्फा x2 पर पावर 1 माइनस अल्फा, इसमें बच गया अल्फा प्लस, इसमें बच गया 1 माइनस अल्फा, बस हो गया। तो अल्फा और अल्फा ये हो गया आपका a x1 पर अल्फा x2 पर पावर 1 माइनस अल्फा इंटू 1, यानी a x1 पर पावर अल्फा x2 पर पावर 1 माइनस अल्फा, यह हो गया आपका q के सापेक्ष, q यही तो q है, a x1 अल्फा x2, therefore f1 x1 plus f2 x2 is equal to q, यही हो गया आपका प्रूफ, हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री आप बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर फोर मैं बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, आप इसको पहले देख लें फिर मैं इसे पढ़ भी दूंगा, दिख रहा है? ओके, अब मैं इसे पढ़ भी देता हूं। द प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ए पर पावर अल्फा इंटू बी पर पावर बीटा विद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन, सो दैट देयर आर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिड्यूस दैट द टोटल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ए टाइम्स द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी टाइम्स द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर फोर मैं बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर है, फॉर द लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर, सो दैट द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द रेशियो ऑफ द फैक्टर एंड यूनिटी दैट द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए टाइम्स द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस b टाइम्स द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ b। तो इसे तो x मालूम है, x आपका है x इज इक्वल टू रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर, तो इसका एवरेज प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू a, ए बी ए एक्स बटे ए, तो आपको मालूम है x का, तो रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर ऊपर कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऊपर बच जाएगा टू एच बी बाय ए माइनस ए माइनस बी इंटू बी बटे ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, देयरफॉर अब बी बटे ए के रूप में बी बटे ए, तो यह हो गया देयरफॉर सो इट इज वेरीफाइड, सो इट इज वेरीफाइड दैट एवरेज प्रोडक्ट ऑफ ए डिपेंड्स ऑन द रेशियो depends on the ratio of the factor, ratio of the factors, ये हो गया। similarly average product of b यानी x बटे b यानी root under 2hab minus aa square minus bb square बटे b, इसको मैं लिख सकता हूँ, लिख दीजिए इसको 2hab minus aa square minus bb square बटे b square, तो ऊपर आप कॉमन ले लीजिए b square कॉमन लेंगे
ऊपर बचेगा क्या, टू एच ए बटे बी माइनस ए इंटू ए बटे बी का होल स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया अब ए बटे बी। देयरफॉर सो इट इज वेरीफाइड दैट एवरेज प्रोडक्ट ऑफ बी depends on the ratio of the factor of the factors। यह भी प्रूव हो गया। अब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट MPA तो डब्बा बाय डब्बा ए आपका एक्स आपका रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है परसेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वन बटे टू रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। रूट का हो गया तो आप इसका करना है तो टू एच बी माइनस टू ए ए, तो यह हो गया आपका टू कॉमन लेंगे एच बी माइनस ए ए डिवाइडेड बाय टू रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। टू कैंसिल हो गया, इसमें बच गया क्या, इसमें हम ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लिए तो बच गया उसमें एच बी बटे ए माइनस ए डिवाइडेड बाय, फिर इसमें भी ए कॉमन लेते हैं, ए कॉमन लेंगे तो रूट अंडर तब बचेगा टू एच बी बटे ए माइनस ए माइनस बी इंटू बी बटे ए का होल स्क्वायर, यानी ये होल थिंग हो जाएगा क्या ऑफ बी बटे ए। तो यानी सो इट इज वेरीफाइड दैट मार्जिनल प्रोडक्ट MPA डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द फैक्टर्स। अगेन प्रूव करना है एमपी विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी डब्बा बाय डब्बा बी रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। इसका पार्सेंटेज वन बटे टू रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर इंटू, आप इसका रूट के अंदर क्या करेंगे तो बच जाएगा टू एच ए माइनस टू बी बी, तो टू कॉमन हो गया बच गया इसमें एच ए माइनस बी बी बटे टू रूट अंदर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। टू कैंसिल हो गया, इसमें से बी कॉमन ले लेंगे, बी कॉमन लेंगे बी इंटू एच ए बटे बी माइनस बी डिवाइडेड बाय, फिर नीचे बी कॉमन लेंगे तो बी रूट अंडर टू एच ए बटे बी माइनस ए इंटू ए बटे बी का होल स्क्वायर माइनस बी, यानी यह हो गया अफ ए बटे बी अफ ए बटे बी। सो इट इज वेरीफाइड दैट एमपी बी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द फैक्टर्स। अब लास्ट प्रूव करना है, लास्ट आपको प्रूव करना है यूटिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए टाइम्स मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी टाइम्स, यानी प्रूव करना अंत में आपका नौ वी हैव टू वेरीफाइड दैट ए इंटू एम पी ए प्लस बी इंटू एम पी बी इज इक्वल टू एक्स, यही आपका लास्ट में प्रूव करना ए इंटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी इंटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू एक्स, टोटल प्रोडक्ट से प्रूव करना वेरीफाई करना। लास्ट स्टेप हमको वेरीफाई करना ए इंटू एम पी ए प्लस बी इंटू एम पी बी इक्वल टू एक्स। तो एम पी ए प्रूफ
ये था भी जस्ट एच बी माइनस ए ए डिवाइडेड बाय टू रूट अंडर रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर एंड एमपी बी इक्वल टू रूट किए थे एच ए माइनस बी बी बटे रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। तो अब इसको ए से मल्टीपुल कर देंगे, इसको बी से मल्टीपुल दोनों को ए कर देंगे, तो ए इंटू एमपी ए प्लस बी इंटू एमपी बी, इसको कीजिए ए से गुना ए इंटू एच बी माइनस ए ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर से प्लस बी इंटू, तो बी इंटू एमपी बी यह है एच ए माइनस बी बी बटे रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर। तो ए से इसको गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर प्लस दोनों हो गया रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर, क्या हो गया प्लस इसको गुणा कीजिए तो एच ए बी माइनस बी बी स्क्वायर ऊपर फिर एच ए बी टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। ऊपर में हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे यही आ जाएगा ऊपर में नीचे का जो बात है रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर या कर दिया तो बच गया ऊपर में देयर फोर ए इंटू एम पी ए प्लस बी इंटू एम पी बी इक्वल टू रूट अंडर टू एच ए बी माइनस ए ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर यह है यह आपका है एक्स क्वेश्चन। देयर फोर ए इंटू एम पी ए प्लस बी इंटू एम पी बी इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड यूलर्स थ्योरम, यही विच वाज टू बी प्रूव इसी आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। ओके okay.